75 साल में पहली बार ऐसा हुआ कि रामनवमी पर मकतपुर बजरंग सेवा समिति की झांकी नहीं निकल पाई। रविवार को अखाड़ा जुलूस के बीच तमाम रथ सड़क के किनारे खड़े रहे और समिति के लोग मायूस नजर आए। बताया गया कि झारखंड सरकार के फरमान की वजह से ऐसा हुआ है। इस बाबत मकतपुर बजरंग सेवा समिति से जुड़े दीपक शर्मा ने बताया कि करीब 70-75 साल से यह परंपरा रही है कि हर बार रामनवमी पर मकतपुर बजरंग सेवा समिति की ओर से भव्य झांकी निकाली जाती है, जो रामनवमी के आकर्षण का केंद्र रहती है। लेकिन इस बार झारखंड सरकार ने पहले अखाड़ा और झांकी के लिए 6 बजे शाम का वक्त निर्धारित किया था, लेकिन जब हिंदू संगठनों का आंदोलन हुआ तो ऐन मौके पर सरकार ने 10 बजे रात तक का समय तय किया। इसी वजह से लाइटिंग ट्रक आदि की बुकिंग समय पर नहीं हो सकी और बरसों पुरानी यह परंपरा को तोड़ते हुए इस बार झांकी नहीं निकल सकी। हम लोग को एक ऐसा एहसास हो रहा है कि मंदिर में घंटी का भी समय लगता पूछ करके बजाना पड़ेगा कि कितना बजे घंटी बजाए। सरकार का ये फैसला अगर ये 4 दिन पहले आया होता तो मगरपुर बजरंग सेवा समिति का भव्य झांकी जो लोग देखने के लिए दूर दूर से आते हैं आज तरस जाएंगे कि सरकार जो फैसला अंतिम समय ली हम लोग झांकी निकालने में असमर्थ हुए हैं। आप देख रहे हैं ये खाली रथ जो हम लोग तैयारी के साथ रखे हुए थे उनका फैसला लेट से आने के कारण हम लोग का सारा बुकिंग कैंसिल हो गया और हम लोग के सारे मंचा पर पानी फेंक दिया। देखिए क्या हाल करके रखा हुआ झारखंड सरकार के लोगों ने हम लोगों का। इतना 2 साल के बाद कोरोना के समय हम लोग झांकी का तैयारी किए थे कि इस साल भव्य झांकी जो निकलेगा, लेकिन सारे मंचा पर हम लोग का पानी फेंक गया। आप देख लीजिए ये बोर्ड जो हम लोग अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, हम जवाब चाहते हैं कि अंतिम समय में फैसला क्यों, जवाब तो देना पड़ेगा उसे। ये मामला बहुत ही दुखदपूर्ण है, ये हिंदू समाज की आस्था पे और विश्वास पे एक चोट है। हम लोगों ने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि 2 साल के कोविड के 19 के इस अंतर्गत जो उसके बाद हम लोगों ने जो ये फैसला लिया कि इस बार भव्य झांकी का आयोजन किया जाएगा और बजरंग सेवा समिति की जो झांकी है ये हमको लगता है कि हम लोग के जन्म से पहले से चालू है। हम लोगों ने कभी भी मतलब जन्म हुआ तब से मैं देख रहा हूँ ये झांकी को देखने के लिए कहाँ बेंगाबाद गांडे महसमुंडा बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, लेकिन संयोग ऐसा लगा कि झारखंड सरकार की क्या ये स्थिति नहीं आए ये हम समझ के लिए है। सभी लोग बेबस और लाचार हो चुके हैं कि अचानक एक दिन पहले अगर कोई भी झांकी का आयोजन सडनली नहीं किया जा सकता ये सभी लोग जानते हैं, लेकिन अभी अचानक एक दिन पहले बोलते हैं कि हाँ आप 2 घंटा आपको टाइम मिलता है, लेकिन ये 2 घंटा के पहले थोड़े ही जाके हमारा प्रिपेयर हो सकता है। इसके जितने भी कलाकार जो तैयार होते हैं उसके कारीगर आते हैं वो कलकत्ता से और दुर्गापुर से आते हैं, दो तीन जगह से आते हैं, लेकिन लास्ट मोमेंट पे इन लोगों ने कहा कि अब आज हो सकता है। इसलिए बहुत ही दुखद बहुत ही खेद के साथ सूचित करता हूँ और ये पूरे झारखंड क्या मैं झारखंड के साथ साथ गिरिडीह वासियों के लिए बजरंग सेवा समिति हाथ जोड़ के बिना विनती करती है कि इस सेवा को हमने जो लाभ आपको नहीं दे सका इसके लिए क्षमा प्रार्थी है। बजरंग सेवा समिति आप लोग तमाम गिरिडीह वासियों से क्षमा प्रार्थी है। जय श्री राम, जय जय श्री राम।